स्वाइन फ्लू के मामले में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का केंद्र को निर्देश दिया गया है। बता दें आपको कि 3 दिनों के भीतर 3 लाख टैमीफुल टैबलेट मुहैया कराए सरकार। इसके साथ ही 3 लाख मास्क भी राज्य सरकार को मुहैया कराए जाने की बात कही गई है। स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी राज्य सरकार को कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार जब स्वाइन फ्लू का प्रकोप जारी है तो स्वाइन फ्लू को लेकर अब हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है और निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तुरंत ही दवाइयां और मास्क उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ साथ जागरूकता भी फैलाई जाए। यूपी के अंदर स्वाइन फ्लू ने तेजी से पैर पसारे और करीब 17 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। स्वाइन फ्लू से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों बड़ों सभी को ही अपनी चपेट में ले रहा है। कहीं स्वाइन फ्लू से निपटने वाली दवा की कमी है तो कहीं वार्ड ही तैयार नहीं है। वहीं कानपुर में वकीलों ने लोगों को स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए आयुर्वेदिक दवा का वितरण किया। तो कहीं दवा नहीं है तो कहीं वार्ड नहीं है तो कहीं डॉक्टरों की कमी है, यही देखने को मिल रहा है दृश्य। और कहीं पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है इस बीमारी को लेकर, जो कि महामारी का रूप ये लेती जा रही है और दिन ब दिन जो संख्या है मरीजों की वो बढ़ती जा रही है।